जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने वाला हूँ BLS इन्फोटेक लिमिटेड कंपनी के बारे में। फुल रिकवरी के मूड में स्टॉक दिख रहा है, जितना गिरावट होना था हो चुका है, अब स्टॉक में तेजी की बारी आ गई है और साथ में शेयर मार्केट में भी शानदार तेजी की बारी आ गई, क्योंकि चुनाव के नतीजों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आता है, जब भी लोकसभा चुनाव तो शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं, मार्केट हमारा ऊपर जाता है और उसके साथ साथ जितने भी स्टॉक्स होते हैं मिड कैप स्मॉल कैप सभी स्टॉक्स में शानदार तेजी आपको देखने को मिलती है। तो हम लोग को तैयार रहना चाहिए और आपको बताऊंगा कि यदि आपका इन्वेस्टमेंट है BLS इन्फोटेक में तो आपको क्या करने की जरूरत है, आपको कहाँ कहाँ पे एवरेजिंग करना है, कहाँ पे यदि आप बेच के निकलना चाहते हो तो निकल सकते हैं, प्रॉफिट अच्छा बुक कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि कोई नया व्यक्ति है जो इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे उसको भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन शुरुआत शुरू से करेंगे। आपको मैं बताऊंगा कंपनी क्या काम करती है, फंडामेंटल कैसा है, ताकि जो नए हैं पुराने हैं सबके लिए ये खबर काम की हो सके। तो काम जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनको तो ये पता ही होगा कि कंपनी एक IT से रिलेटेड काम करने वाली कंपनी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि IT सेक्टर में काम करती है और बेसिकली ये IT से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो IT सेक्टर में काम करती है उनको ये हेल्प करती है, ये कंपनी IT से रिलेटेड सर्विसेज को प्रोवाइड करने में। तो ये काफ़ी बढ़िया काम है। देखिए IT सेक्टर में जितने भी कंपनियां काम करती हैं हम सभी जानते हैं कि आने वाले समय में IT सेक्टर का बोलबाला अभी भी है और हमेशा ही रहेगा IT सेक्टर का जो बोलबाला, तो इसलिए इस तरह की कंपनी में इन्वेस्टमेंट होना आपका बनता है और है तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अब देखिए काम के बेसिस पे हम सभी जानते हैं कि शेयर प्राइस में लंबी अवधि में तेजी बनेगी, लंबी अवधि में इसमें डिमांड रहेगा इस स्टॉक का। अब समझते हैं फंडामेंटल, तो फंडामेंटल देखेंगे तकरीबन 150 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन यानी कि छोटी कंपनी है और स्टॉक का PE काफ़ी महंगा है, तो पीने स्टॉक का PE तो महंगा होता ही है क्योंकि डिमांड ज़्यादा होता है और ये जरूरी भी है क्योंकि देखिए हमें इससे नहीं घबराने की स्टॉक का PE कितना महंगा है कितना सस्ता है, क्योंकि हम लोग चार्ट पर लेवल देखते हैं और वहाँ पे डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ पे एग्जिट और एंट्री करना है। तो इसलिए आप ध्यान से वीडियो को देखिए। अभी शेयर प्राइस देखेंगे तो तकरीबन 3.5 रुपये के आसपास चल रहा है और जो कि बुक वैल्यू से काफ़ी ज़्यादा है। हमेशा मैं कहता हूँ शेयर प्राइस हमेशा और हमेशा बुक वैल्यू से ज़्यादा होना चाहिए, ये बढ़िया होता है। हालांकि रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 0.0% दिख रहा है, हालांकि 0% नहीं है, यहाँ पे कुछ एरर है, कुछ मिस्टेक है स्क्रीन के वेबसाइट पर, तो इससे नहीं घबराना है। स्टॉक ने रिटर्न निकाल कर दिए हैं पिछले कुछ समय में, आपको भी पता होगा और आगे भी शानदार रिटर्न निकाल कर देने का स्टॉक दमखम रखता है। अभी हम लोग 1 साल के चार्ट पर आ गए हैं और 1 साल के चार्ट पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करें, उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। देखिए चार्ट पर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, लेकिन उसके पहले यदि आप BSE इंडेक्स वेबसाइट पर देखेंगे इस स्टॉक को तो आप पाएंगे कि इस स्टॉक में एक शानदार तेजी पिछले कुछ दिनों से देखने को मिल रही है, सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लगने की बदौलत। ये स्टॉक कल इसमें अपर सर्किट लगा था, हालांकि बीच बीच में लोअर सर्किट भी लगा, लेकिन लोअर सर्किट से घबराने की बारी नहीं क्योंकि अब स्टॉक में मूवमेंट आ गया। चार्ट पर जिस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं तो अब इस स्टॉक में सिर्फ और सिर्फ अपर सर्किट लगने के ही चांसेस दिख रहे हैं और लगातार कुछ दिन तक इस स्टॉक में अपर सर्किट लगेगा क्योंकि लोअर सर्किट का दौर अब खत्म हो गया। पहले भी देखेंगे तो स्टॉक में लोअर अपर सर्किट लगा था, बीच बीच में लग जाता है एक आध दिन, वो अलग बात है। जिस दिन मार्केट बहुत गिरता है वोलेटाइल हो तो उस दिन बीच बीच में चलेगा, लेकिन इससे नहीं घबराना, हमें लॉन्ग टर्म देखना है, तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक में अपर सर्किट लगने के शुरुआत हो गए हैं। चलिए अब 1 साल के चार्ट पर समझते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए ये जो प्राइस नीचे आ रहा था, कायदे से इस प्राइस को इस लेवल तक आना चाहिए था, 3.80 रुपये के लेवल तक इसको आना चाहिए था, लेकिन प्राइस 3.80 रुपये के लेवल तक नहीं आया, ये 3.50 रुपये के लेवल तक आया और यहीं से प्राइस ऊपर की तरफ उठने लगा, क्योंकि बीच बीच में अपर सर्किट जो लगने लगा है तो जाहिर सी बात अब तेजी बनेगी। और 3.5 रुपये का जो नंबर जो लेवल होता है 3.5 रुपये का, 3.5 4.5 एक साइकोलॉजिकल नंबर भी होता है, तो ये भी एक अपने आप में सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करता है। तो इसलिए प्राइस यहाँ तक आने के बाद यहीं से प्राइस आपको ऊपर जाने लगा है। हो सकता है कि 4 रुपये तक जाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने के लिए प्राइस फिर नीचे आया और इस बार कहीं इस लेवल तक के लिए आ सकता है और यहाँ से फिर जब प्राइस ऊपर उठेगा तो फिर इजिली आपको कम से कम 6 रुपये तक इसके पहले ये प्राइस नहीं रुकेगा। तो खैर हमें अभी करना क्या है कि जिसका भी इसमें इन्वेस्टमेंट है उन्हें तो कुछ नहीं करना, उन्हें अभी शांति से बने रहना है। ये प्राइस इजिली आपको 6 रुपये तक जाते हुए दिखेगा और वहाँ पर फिर आप बेच के निकलना चाहे तो यहाँ पर जब प्राइस आएगा तो यहाँ से निकल सकते हैं। कोई नया व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो जब तक प्राइस 4 रुपये के ऊपर नहीं निकलता है, 4 रुपये के ऊपर निकलेगा तभी आप यहाँ पर जैसे ऊपर निकले एंट्री ले लीजिएगा। अब आप कहेंगे कि आप अभी एंट्री क्यों नहीं ले सकते, अभी थोड़ा सस्ता मिलेगा, लेकिन अभी कन्फर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि प्राइस जैसे मैंने बताया कि 4 रुपये तक जाए फिर यहीं से घूम जाए 4 रुपये तक जाने के बाद, तो आपके लिए थोड़ा वो इरिटेशन वाला चीज़ हो जाएगा, इसलिए आप वेट कीजिए। 4 रुपये के ऊपर निकलेगा वहीं पर आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा और जिसका पहले से इन्वेस्टमेंट है उनके लिए तो मैंने बता ही दिया कि अभी आपको वेट करना है, क्योंकि अभी शेयर प्राइस ऊपर की तरफ देखिए उठना शुरू है और प्राइस अभी ऊपर ही जाएगा, आप इस बात को यकीन मान के रखिए।
तो अभी तक हम लोगों ने कंपनी के काम और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से ये सारी चीज़ों को समझ लिया, कंपनी कैसी है, क्या काम करती है, हमें कहाँ पे बाय सेल करना। अब फंडामेंटल में कुछ और चीज़ें को मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको यकीन हो सके कि लॉन्ग टर्म ये कंपनी कितना सस्टेनेबल है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट में देखेंगे आप कंपनी के पास कर्जा एकदम जीरो है, बिल्कुल ही डेप्ट नहीं है कंपनी के पास। ये अलग बात है कि कंपनी के पास रिजर्व पैसा भी नहीं है, फ्री कैश फ्लो होना चाहिए वो भी नहीं है कंपनी माइनस में। लेकिन सबसे अच्छी बात है कंपनी के पास कर्ज नहीं है, कर्ज नहीं है तो इससे क्या होगा, कंपनी की जो भी कमाई होगी, हालांकि क्वार्टर्स रिजल्ट में देखेंगे तो यहाँ पे कुछ अपडेटेड नहीं है। अब ये कोई मत कहेगा कि कुछ सेल्स ही नहीं हो रहा, क्योंकि कंपनी चल रही है तो सेल्स तो होगा ही, कंपनी के खर्चे भी, कंपनी चलाने तो खर्चे तो लगेंगे, तो इसलिए कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो देखेंगे आपको माइनस में दिखेगा। लेकिन ओवरऑल क्या है, जैसे मैंने बताया कि आपको फंडामेंटल और भी ज़्यादा मजबूत होते हुए दिख रहा है, कंपनी का फंडामेंटल धीरे धीरे हर क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट जब आने लगेंगे सिस्टम तो मजबूत होगा, तो इसलिए आपको इससे घबराना नहीं है। आप बस ये देखिए कंपनी क्या काम करती है, 4% संकेत मिल रहा है और उसके बेसिस पे इस स्टॉक में तेजी भी दिखनी शुरू हो गई है। तो उम्मीद करता हूँ BLS इन्फोटेक लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ पा रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।